दोस्तों, हमारे चैनल फूड फिटनेस एंड फन में आज आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बाजरे की रोटी। बाजरे की रोटी देखने में लगता है कि बड़ा मुश्किल होगा बनाने में, लेकिन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती है, बहुत आसानी से बनती है। और बाजरे के हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं, इसमें विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होती है। तो चलिए बना के देखते हैं बाजरे की रोटी। ये हमने बाजरे का आटा लिया, इसमें हमारी कम करीब 5 या 6 चपाती बन जाएंगी। इसमें थोड़ा सा हम नमक मिला लेंगे साथ में। ये नमक मिला दिया और इस पूरे आटे को एक बार मिला लेंगे, लेकिन पूरा आटा हम एक साथ गूंदेंगे नहीं, क्योंकि बाजरे का आटा अगर हम ज़्यादा एक साथ गूंद देते हैं तो वो पानी छोड़ता है और फिर रोटी को बेलने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो हम आधा आधा करके इस आटे को गूंदेंगे। पहले आधा गूंदेंगे, उसकी रोटी बनाएंगे और उसके बाद बाकी का जो आधा है उसको गूंदेंगे। कहने का मतलब ये है कि 2 रोटी से ज़्यादा एक बार में आटा नहीं गूंदना है। आप डाल के रख सकते हैं और थोड़ी देर बाद में उसको। अब बाजरे के आटे की यही एक ख़ास बात है कि इसको आप अगर मार्केट से भी लेते हैं तो आटा पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 हफ्ते के बाद पिसे हुए आटे का टेस्ट चेंज हो जाता है, उतना टेस्टी वो नहीं रहता है। तो एक आम भाषा में कहें तो उसमें हल्का सा कड़वाहट आ जाती है। ये देखिए, इसको इस तरीके से हम अच्छे से गूंद लेंगे। जितना हम इसको ऐसे मसल के गूंदेंगे उतना ये रोटी बनाने में हमारे लिए आसान होगा। ये हमने आटा गूंद लिया। ये देखिए, आटा ज़्यादा सख्त भी नहीं है, ज़्यादा पतला भी नहीं है। अब इस आटे को ये हमने ले लिया रोटी बनाने के लिए और इस सूखे आटे में एक बार ये लगा लिया ताकि ये हाथ में चिपके नहीं। इसकी रोटियां किनारे से थोड़ा फटना शुरू हो जाती हैं, इसलिए किनारे को हम शुरू से ही संभालते हुए चलते हैं। रोटी बेलने के लिए ये देखिए, अगर आपको लग रहा है आपके हाथ में चिपक रहा है तो आप एक बार हाथ सूखे आटे में रख लें और उस रोटी को बीच में, रोटी मोटी नहीं रहनी चाहिए और किनारे भी साथ के साथ दबते जाएं। आपने अपने हाथ को इस हिसाब से चलाना है। ये रोटी हमारी, ये देखिए, रोटी बेलकर तैयार हो गई है। और उसके बाद साइड में हमने अपना तवा भी गर्म करके रखा है, इस तवे के ऊपर आराम से इस रोटी को डाल देंगे। ये देखिए, रोटी किनारे भी मोटे नहीं है, बीच में भी मोटी नहीं है, बहुत बिल्कुल स्मूथ रोटी बनी है। हमें लग रहा है कि उस साइड से रोटी हमारी सिक गई है, तो ये देखिए, हम इसको बहुत आराम से उठा के और पलट देंगे। ये बनाने में भी मुश्किल नहीं है, सेकने में भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान से ये रोटी बनती है। बस थोड़ा सा आपको ये ट्रिक आना चाहिए कि आपने आटा कैसे गूंदा है और उसको बढ़ाया कैसे। आप इसको सूखा आटा लगा के बढ़ा सकते हैं, आप इसको चाहे तो अपने हाथ में थोड़ा हाथ को ग्रीस करके भी बढ़ा सकते हैं, तो भी रोटी अच्छे से बढ़ती है। ये हमारी रोटी सिक गई है इस साइड से और तब तक हम दूसरी रोटी भी बढ़ा चुके हैं, तो अब इसे हम उतारेंगे और दूसरी रोटी यहाँ पर डाल देंगे। तवा हटा करके हम इस रोटी को गैस पर सेक लेंगे। दोनों साइड से हल्का ब्राउन होने तक इसको सेकेंगे। ये रोटी फूल भी गई है बहुत अच्छे से। थोड़ा सा इसके ऊपर घी लगाना जरूरी है, नहीं तो ये बहुत ज्यादा सूखी सूखी सी हो जाती है। तो देखा आपने, ये बनाने में कितनी आसान है।
ये बाजरे की रोटी आपको काफ़ी लंबे टाइम तक फिल रखती है, इसलिए ये वेट लॉस के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। डायबिटीज़ में ये बहुत फ़ायदेमंद होती है, और क्योंकि ये बनाने में मुश्किल नहीं है तो आप इसे आराम से बना सकते हैं। इसे आप साग के साथ खाएं, इसे रायते के साथ खाएं, या दही के साथ खाएं, घी के साथ खाएं, जैसे मर्जी आप खा सकते हैं। हर तरीके से ये उतनी ही टेस्टी लगेगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स दें। थैंक यू।